नतीजा है। और यही निवेदन करता हूँ, कोई आपको समस्या ऐसी लगती है, क्योंकि शुरू शुरू में काम ज्यादा होता है, मंत्रालय भी 11 है, एक एक को समझने में बहुत समय लग जाएगा। कई तो ऐसे साथी है जिन्हें छुट्टी बनाने का तरीका ढूंढ रखा है, घराड़ा से तंग है तो बहाना ढूंढते चलो चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट का गेड़ा पार। चंडीगढ़ जाए कोई काम जल्दी नहीं होगा, क्योंकि काम अगर शुरू होगा उचाणा का कोई तो पहले उचाणा से होगा, उचाणा से डीसी ऑफिस जाएगा, डीसी ऑफिस से चंडीगढ़ आएगा, फिर वापिस आएगा। तो जब मैं यहाँ हूँ आराम से मिलकर उसकी पूरी डिटेल लेकर अपनी तैयारी रखो, जल्दी से जल्दी कोई गांव के काम है, कोई सामूहिक काम है, उनका निपटारा पूरा समय समय पे ऊपर। तेरा बेटा नहीं बन सकता, डटना सीख ले एक बार, एक बार कोई बात। इसके कान ना 2-3 बार बोलोगे जब बजने शुरू हो, डट जा। तो मेरी निवेदन आप सबसे है कि जो चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट में भीड़ और इस तरीके से हालत बना रखी है, उस ना तो मैं मैक में समझ पा रहा, मैक में भी ऐसे ऐसे है, शायद पूरे दिन और बिना आवाज के बोलती हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको लगता है यहाँ से निपटारा जिसका हो रहा है, उसके लिए मेरे चक्कर लगते रहेंगे, मगर अपना तरीके से अपने सिस्टम को चलाए। बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज मेरे को दिखे जिनने शायद चुनाव में उल्टी धारा में बहने का काम किया, मगर वो भी मगर उचाणा के विकास की बात, अगर सामूहिक काम कोई भी होगा सारे साथ आओगे तो उसके ऊपर भी जरूर आपके साथ। अब एक चीज बता दी, मेरे को बड़ी बुरी लगी, कई साथी खड़े, पहले आपका कमेटी का चेयरमैन था, घोटाला किया नहीं किया उसने, और ये अपने 15 साथी उसकी सिफारिश लेके आगे की एफआईआर वापिस करा दो, छोटू ना छोटू, विकास में बाधा बढ़ाई है, उसको छोड़ना दिए नहीं छोड़े। फिर इन साथ दिया ना आज बता दो तो वो खड़े